हाय एवरीवन, वेलकम टू एडु कैप्टन। तो बच्चों, मैं अप्लाइड मैथमेटिक्स बोर्ड 2024 के लिए आपको पढ़ा रहा हूं और आज मैं आपको पाइप एंड सिस्टम का टॉपिक करा रहा हूं। तो बच्चों, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, और अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हो, कि भाई नंबर क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन जो अप्लाइड मैथमेटिक्स की यूनिट 1 है, मैं उन्हें टॉपिक वाइज कवर अप करवा रहा हूं, जिसमें हम आज पहुंच चुके हैं पाइप एंड सिस्टम के टॉपिक पे। तो बिना किसी देरी के करते हैं इसे शुरू। तो भाई, पाइप एंड सिस्टम होती क्या है, कैसे काम करते हैं, क्या इसकी मतलब टेक्निकलिटी है, सब समझेंगे। देखो भाई, हमारे पास एक टैंक है जिसे आप सिस्टम बोल देते हो। भाई, ये आपका टैंक हो गया। इसके अंदर कोई पाइप से पानी भर रहा है, ठीक है भाई। मान लो ये पाइप से पानी आ रहा है और दूसरी पाइप से पानी जा रहा है, तो उसे हम आउटलेट बोल देते हैं और इसको हम इनलेट बोल देते हैं। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, आपको ये समझना है। अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई टैंक, बिल्कुल देसी लैंग्वेज में समझेंगे, कोई टैंक जो आपका है 10 घंटे में टैंक को फुल कर देता है, 10 घंटे में टैंक को क्या कर देता है, फुल, तो इसका मतलब एक घंटे में उसने कितना काम किया। सर, उसने एक घंटे में 1/10 हिस्सा करा, यानी उसने उस टैंक का 1/10 पार्ट फिल करा। मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, पर थोड़ा सा ना वेट करना पड़ेगा। ये नहीं कि एकदम से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन आने दो, शॉर्ट ट्रिक भी समझा दूंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहना, आ जाओ। वहीं अगर मैं बोलूं कि कोई टैंक मान लो 20 घंटे में उस पूरे टैंक को खाली कर रहा है, तो इसका मतलब एक घंटे में कितना पानी खाली हो रहा है, एम्प्टी हो रहा है, भाई 1/20 हो रहा है। सिंपल सी बात है। तो इस चीज़ों का हमें समझना पड़ेगा। और अगर कभी आपसे नेट फर्क पूछे, यानी आपका जो ओवरऑल फर्क है कि भाई पानी आ भी रहा है, पानी जा भी रहा है, तो एक घंटे में ओवरऑल इफेक्ट क्या आएगा, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। जो एक घंटे में पानी भरा गया है और माइनस एक घंटे में जो पानी खाली हुआ है, उसको हमें सॉल्व करना होता है। सिंपल। बोलो, यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? वेरी गुड। अब इसी चीज़ को समझते हुए क्वेश्चन के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप ये देखो, पहला क्वेश्चन वेरी सिंपल है कि पहली पाइप है किसी टैंक को 30 घंटे में फिल करती है और दूसरी पाइप उसे 45 घंटे में फिल करती है। बड़ी टंकी होगी भाई। और दोनों पाइपों को अगर साथ में, एक सेकेंड, बोथ द पाइप आर ओपन इन एन एम्प्टी टैंक, अच्छा, एक खाली टैंक के अंदर इन दोनों पाइपों को ओपन करा गया, तो कितनी देर में टैंक भर जाएगा। तो अब आपको टैंक खाली नहीं करना, भरना है। तो मैं दोनों तरीके बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा भाई। सबसे पहले तो आप ये बताओ, आपकी जो पाइप ए है, पाइप ए कैन फिल द टैंक, तो आप बताओ कितनी देर में टैंक भर जाएगा। सर, 30 आवर में भर जाएगा। और जो दूसरा है पाइप बी, वो 45 आवर में भर देगा। बिल्कुल। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, टैंक या पार्ट ऑफ टैंक, टैंक फिल इन 1 आवर बाय पाइप ए, तो वो होगा 1/30। सिंपली आप टोटल को 1/30 कर देते हो। क्यों? क्योंकि 1/30 हिस्सा है जो टैंक का भरेगा 30 घंटे में। अगर आप टंकी को पूरा भर रहे थे तो 1 घंटे में 1/30 होगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं बाय बी की, 1 घंटे में वो कितना भरेगा, वो भरेगा 1/45। अब दोनों टैंक मिलकर काम कर रहे हैं, या दोनों, जो आपका एक टैंक है वो दोनों पाइपें मिलकर काम कर रही है, तो आपको बताना है टोटल टाइम। तो टोटल टाइम क्या होगा, दोनों को ऐड कर दो, 1/30 + 1/45। ऐड करोगे इनका एलसीएम आ जाएगा आपका 90, 33 जा 90 और 45 2 जा 90, तो ये 5/90 आ गया, ठीक है। डिवाइड कर दो, ये 1/18 आ गया भाई, ठीक है। अब ये 1/18 क्या है भाई, 1/18 का बेसिकली मतलब है कि इसका आप रेसिप्रोकल अगर करते हो, अगर आप इसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल, तो जो कि 18 आएगा, तो इसका मतलब टोटल 18 आवर लगेंगे अगर दोनों पाइपें साथ में काम करती हैं। ये बात आपको याद रखनी है। और याद रखना कि भी अगर दो पाइपें साथ में पानी भरती हैं ना, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों में लगने वाला टाइम कम हो जाता है, क्योंकि अकेले ही अगर वो 30 घंटे में भर देती है तो दूसरे के आने से फ़ायदा क्या हुआ। दिख रहा है आपको फ़ायदा 18 घंटे में। अब बच्चा कहता है सर शॉर्टकट तो समझा दो। शॉर्टकट समझा देता हूँ मैं आपको। उससे पहले आपको मैं बता दूँ भाई कि जो भी मैं पढ़ाऊँगा ना, ये सब आपको हमारी ऐप पे भी मिल जाएगा विदाउट कॉस्ट, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड का सारा जो भी कॉन्टेंट है, चाहे आप कॉमर्स के इकोनॉमिक सब्जेक्ट को पढ़ो, चाहे अकाउंट, चाहे बीएसटी, चाहे आप इंग्लिश, ये सब आपको वहाँ पर प्रॉपर तरीके से मिलेगा। और सिलेबस की जिम्मेदारी अक्टूबर तक लेने की कोशिश करते हैं कि एंड करेंगे, मोस्ट ऑफ द थिंग वहाँ तक हम कवर कब कर चुके होंगे। और यहाँ आने का मेन पर्पस ये है कि भाई आप लोगों को प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी। अब प्रैक्टिस शीट क्यों करनी है भाई, प्रैक्टिस शीट तो तभी, बिल्कुल यार, जो चीज़ सीख के जा रहे हो प्रैक्टिस होगी तभी तो आप एनहांस कर पाओगे ना नॉलेज को। बिल्कुल। अब आइए बिना किसी देरी के शॉर्टकट ट्रिक पे। तो यहाँ छोटे से पोर्शन में मैं शॉर्टकट ट्रिक समझाता हूँ। देखो भाई, ध्यान से सुनना भाई। देखो, ये है आपका शॉर्टकट। सर, शॉर्टकट पेपर में यूज़ कर सकते हैं क्या? अगर क्वेश्चन सिर्फ 1 मार्क्स का है तो बिल्कुल कर सकते हो। देखो, टैंक ए है,
मैंने बोला ये 30 घंटे में पानी भर देता है, बिल्कुल। टैंक बी है वो 45 घंटे में भर देता है। इनका ना एक एलसीएम ले लो, एलसीएम किसका आ गया 90। तो इसको ना आप टोटल काम मान लो, टोटल काम मतलब कि भाई टंकी जो है ना वो 90 लीटर की है, अज्यूम कर लो। अगर टंकी 90 लीटर की है मान लो और वो 30 घंटे में ए के द्वारा भरी जा रही है, तो इसका मतलब 1 घंटे में सिर्फ 3 लीटर पानी चढ़ेगा, हाँ या ना? बिल्कुल। और बी वाले पाइप के द्वारा सिर्फ 2 लीटर पानी चढ़ेगा, तो 1 घंटे में दोनों ने मिलाकर कितना लीटर पानी चढ़ाया भाई? 5 लीटर। अब टंकी कितनी थी? 90 लीटर्स की। एक आर में कितना पानी भर रहा है सर? 5 लीटर। तो 5 से डिवाइड कर दो, तो यानी जो टाइम आया वो क्या हुआ? 18 आर। सर ये तो ज़्यादा अच्छा हो गया, तो इसको फिर से और समझेंगे आगे के क्वेश्चनों में। अगर नहीं समझ में आया तो दिल थाम के बैठो, अगले क्वेश्चन में भी चीज़ों को करने वाले हैं। बट ये तरीका ना आप तभी लगा सकते हो जब आपको दिखाना ना हो। मेन तरीका आपको यही फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि वही है ना कि जब क्वेश्चन शॉर्ट बेसिस पे तो आ नहीं रहा, प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव वे पे आ रहा है 2-3 नंबर का, तो आपको ऐसे करना पड़ता है। ठीक है भाई, चलिए। सर फिर शॉर्टकट सिखा क्यों रहे हो भाई? 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं, उनमें भी तो टाइम बचाना है ना। तो बिल्कुल आ जाओ, देखो। अ पाइप कैन फिल द टैंक, या फिल द टैंक में सिस्टम को मैं टैंक बोल देता हूँ, इन 6 आर, ठीक है, ड्यू टू द लीकेज। अब देखो लीकेज हो गई है मतलब एम्प्टी होने वाला है टैंक, इन द फुल ऑफ 9 आर। अच्छा, लीकेज की वजह से 9 घंटे में पूरा भर रहा है। बेसिकली कहना क्या चाहता है कि जो ए वाली पाइप थी वो 6 आर में पूरा टैंक भर देती है, तो 1 आर में जो ए वाली पाइप है उसने कितना पानी भरा? सर 1/6 पार्ट, ठीक है। अब हुआ क्या कि हमें पता लगा लीकेज है। अब लीकेज की वजह से जो 1 घंटे में पानी पहले 1/6 भरा जा रहा था, अब वो 1 आर में कितना भरा जाएगा? सर 1/9। अब 1/9 क्यों भरा जा रहा है ये मुझे समझा दो। इसका सिंपल सा रीज़न है कि भाई पहले टंकी आराम से भर रही थी, वो लीकेज आने की वजह से अब टंकी में कितना टाइम एक्स्ट्रा लग गया? 3 घंटे, है ना। अब समझो, पहले 1 घंटे में 1/6 काम हो रहा था, अब 1 घंटे में 1/9 काम हो रहा है। तो जो लीकेज है अगर वो सिर्फ होती रहे, पानी ना भरे, तो लीकेज विल टेक एम्प्टी टू द टैंक, यानी कितना टाइम लगेगा लीकेज को खाली करने में। अब सिर्फ और सिर्फ लीकेज की बात करेंगे तो लीकेज कैसे निकाली जाएगी? तो देखो भाई, प्रीवियस यानी जो पहले बिना लीकेज के काम हो रहा था वो 1/6 हो रहा था 1 घंटे में, अब लीकेज हो जाने की वजह से कितना फ़र्क आया? सर 1/9। तो इनके बीच का हम डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस क्यों? ज़रा दिमाग लगाएंगे, अभी जब शॉर्टकट हम करेंगे ना तो हमें समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अब ज़रा देखो, इसका एलसीएम ले लो, 18 आ जाएगा, 6 3 जा 18 और 9 2 जा 18, तो 1/18 आ गया। तो इसका मतलब जो लीकेज है वो 1/18 आ गई, इसका मतलब 18 घंटे में वो टंकी को पूरा खाली कर देगी। बोलो बात समझ में आई क्या? बिल्कुल। अब सर अगर इसका शॉर्टकट समझाना चाहो तो भाई देखो, शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है, समझ जाना। पहले जो था पानी उसको खाली कर देती 6 घंटे में, ठीक है। अब जो हो रहा है लीकेज आने की वजह से वो हो रहा है 9 घंटे में, इनका एलसीएम लो 18। तो देखो वो 3 पानी भर रही थी, हाँ या ना? पूरा सुनते जाना। लेकिन अब सिर्फ ए जो पाइप है लीकेज की वजह से सिर्फ कितना पानी भर पा रही है? 2। तो लीकेज की वजह से हर 1 घंटे में कितने पानी का फर्क आ रहा है? सर 1 लीटर का, समझ रहे हो? जब लीकेज नहीं थी तो 18 लीटर अगर मैं टंकी मानता हूँ, 6 घंटे में पूरी टंकी भर रहा हूँ, तो 3 लीटर का फर्क आ रहा था, यानी 1 घंटे में 3 लीटर पानी में भर पा रहा था। पर लीकेज होने के बाद ये पानी सिर्फ 2 लीटर रह गया, तो हर घंटे में 1 लीटर पानी एक्स्ट्रा लीकेज हो रहा है ना, है ना भाई? तो अब आपको 18 लीटर की अगर टंकी भरनी है और आप 1-1 लीटर का पानी भर निकाल रहे हो हर 1 घंटे में, तो इसका मतलब 18 घंटे लग जाएंगे उसको पूरा खाली करने में, जो कि यहाँ पर आपका आया था। तो आई होप शॉर्टकट भी समझ में आया होगा और डायरेक्ट भी चीज़ें समझ में आई होगी। अब चलते हैं आगे। देखो भाई, 2 पाइप कैन फिल अ सिस्टर्न इन दिस एंड दिस आर। अच्छा, 2 पाइप हैं, यानी ए पाइप है जो 8 आर में भर देती है, अब थोड़ा लिखना आपको आ जाना चाहिए भाई, और बी है वो 12 आर में भरती है। अब मैं आपको प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव वे में बताऊंगा, आपको शॉर्ट में नहीं बताऊंगा क्योंकि शॉर्ट में पेपर में करना नहीं है, बट आपको समझ में आ चुका होगा। द पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली एंड इट टेक 12 मोर मिनट टू फिल द सिस्टर्न ड्यू टू द लीकेज। ओके, तो पहले जो समय लग रहा था उसमें 12 मिनट और लगेंगे, ठीक है भाई। इफ़ द सिस्टर्न इज़ फुल, वॉट विल बी द टाइम टेकन बाई लीकेज टू एम्प्टी इट। अच्छा, कितना टाइम लगेगा उसको खाली करने में? तो पीछे वाला ही क्वेश्चन है, बस इसमें ए और बी दोनों आ गए। तो 1 आर में ए के द्वारा कितना पानी भरा जाएगा? सर 1/8, बी के द्वारा 1/12। तो अगर दोनों मिलकर पानी चला रहे हैं तो कितना पानी भरेंगे? 1/8 + 1/12, तो ये आ गया 24, 8 + 24 और ये 12 × 24, तो ये आ गया 5/24।
अब टाइम निकालने के लिए मैंने आपको कहा था इसे रेसिप्रोकल कर दो, तो ये 24/5 हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 24/5 आर। अब 24/5 आर को अगर आप डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5 × 24 यानी 4 घंटे और 48 मिनट। सर 48 मिनट कैसे आया, आप खुद सोचो, आपको समझ में आ जाएगा। भाई 48 मिनट ऐसे आया क्योंकि जो चार बचा एक्स्ट्रा रिमाइंडर, 4/5 को आप 60 मिनट से मल्टीप्लाई करो, 12 × 48 होता है, तो 48 मिनट हमें एक्स्ट्रा लग रहे हैं। अब क्या हुआ, टंकी में हो गए लीकेज। अब ड्यू टू द लीकेज टोटल टाइम क्या लगेगा सर, टोटल टाइम लगेगा आपका, आइए मैं बताता हूँ, टोटल टाइम लगेगा 4 आर, 48 मिनट तो पहले ही लग रहे थे, 12 मिनट और लग गए, तो कुल मिला के 5 घंटे लगेंगे अब उस टंकी को पूरा भरने में। अब आपसे पूछा कि अगर टंकी ने करा क्या, टंकी ने जो पहले टाइम लग रहा था यानी 5/24, सुनते जाना, अब जो लीकेज कर रही थी उसका काम पूछा जा रहा है 1 आर, लीकेज इन 1 आर। पहले जो टंकी भर रही थी वो 5/24 भर रही थी, और जो अब भरी जाएगी वो सिर्फ 1/5 हो जाएगी। सोच के देखो आप, सर कैसे, बिल्कुल दिमाग लग जाएगा। 5 घंटे में अगर टंकी पूरी भर रही है दोनों से मिलकर, तो 1 घंटे में कितना पानी भरा जाएगा, सर 1/5, ठीक है। इन कैल्शियम लो, 24 × 5 = 120, 5 × 25 24 × 1 = 24, तो ये आ गया कि लीकेज यानी 1 घंटे में लीकेज जो है 1 घंटे में कितनी हो रही है, 1/20। तो लीकेज का जो टाइम है यानी जो लीकेज है, अगर वो पूरी तरीके से ओपन कर दिया जाए तो टोटल टाइम कितना लेगा, टोटल टाइम टू एम्प्टी द टैंक, वो होगा आपका 120 आर। बात खत्म, क्योंकि 120 घंटे में आपकी टंकी क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी खाली हो जाएगी। इस बात को हमें समझना है। इस चीज़ को मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता दूं कि जो आप प्रीवियस यानी बिना लीकेज के टंकी भर पा रहे थे वो तो सिंपल था ना, अब थोड़ा सा क्या हो रहा है कि 1 घंटे में काम जो है उसमें फ़र्क आ गया, किसकी वजह से, लीकेज की वजह से, यानी लीकेज आने के बाद। तो लीकेज आने के बाद जो वैल्यू है उसको आप माइनस करते हो, माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है ना, ये वो काम होता है जो लीकेज के द्वारा 1 घंटे में करा गया, लीकेज के द्वारा 1 घंटे में या 1 मिनट में, जो भी वो क्वेश्चन कहना चाहता है, 1 घंटे या 1 मिनट में अगर आपको काम निकालना है तो बिना लीकेज के माइनस कर दो लीकेज आने के बाद जो टाइम लग रहा है, सिंपल उसे, ठीक है भाई। चलिए, और ये सब चीज़ें 1 आर या 1 मिनट पे कैलकुलेट होती हैं। और क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे कि आइए ये क्वेश्चन देखिए, असिस्टेंट कैन बी फिल बाई 2 पाइप A and B इन 12 मिनट एंड 15 मिनट रेस्पेक्टिवली। तो जो ए है ना, ये फिल करा जा सकता है 2 पाइपों के द्वारा, ठीक है, 12 मिनट वाली बात है, ए 12 मिनट में है, ठीक है, और बी जो है वो 15 मिनट में, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है एक और टैप आ गई, सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक। अच्छा, जो सी है वो टैंक को एम्प्टी करेगी 20 मिनट में, कितने मिनट में, 20 मिनट में, और सी इज ओपन 5 मिनट आफ्टर द पाइप A and B ओपन। अच्छा, ए और बी ओपन है, उसके 5 मिनट के बाद सी वाले को ओपन करा गया, ठीक है। वैन द सिस्टम बिकम फुल, ठीक है, आपको बताना है सिस्टम कब फुल हो जाएगी। तो देखो भाई, पहले हम बात करते हैं 1 आर में, टैंक फिल इन 1 आर बाय ए, तो वो होगा 1/12, और बाय बी वो होगा 1/15। तो दोनों के द्वारा जो टोटल टाइम लगेगा वो कैसे निकालेंगे हम, तो वो होगा 1/12 + 1/15, एलसीएम आ जाएगा आपका 60, 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60। वैसे तो आप इसमें और भी चीज़ें कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख लेते हैं भाई, 12 × 5 = 60 कर दिया हमने, 15 × 4 = 60 कर दिया, 9/60 हो गया, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब इसको आप चाहो तो डिवाइड कर दो, 3 × 3 आपका ये वैल्यू बन गई, और ये आपका आ गया 20। तो 3/20 आ गए वैल्यू, कोई एरर तो नहीं कर दिया हमने, नहीं मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर हम देखें तो ये तो 3/20 आ रहा है, तो ये क्या आ रहा है भाई, इसको अगर मैं रिवर्स कर दूँ, एक बार चेक कर लेते हैं, हमने कोई छोटी सी भी एरर तो नहीं कर दी, वरना छोटी सी भी एरर बहुत क्रिएट कर देगी, ठीक है, बिल्कुल सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जो 3/20 का मतलब है कि पूरे काम का 3/20वां हिस्सा हमने कर दिया 1 घंटे में। लेकिन यहाँ पर पता क्या है, समझना इस चीज़ को, उसने बोला 5 मिनट काम हो चुका है, ये मैंने 1 आर गलती से लिख दिया, यहाँ पे 1 मिनट होगा। अब आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 मिनट के बाद सी ओपन होगा, तो 5 मिनट तक यानी 5 मिनट तक ए एंड बी वर्क टूगेदर, यानी दोनों पाइपों ने साथ में काम करा है 5 मिनट तक, कितने मिनट तक, 5। अब 1 मिनट में काम हो रहा है 3/20, तो 5 मिनट में कितना होगा सर, 3/4। अब इस बात को समझना,
3/4 जो काम है वो हो चुका है, कितनी देर में, 5 मिनट में, ठीक है ना। अब इस चीज़ को समझो कि आपका रिमेनिंग जो वर्क है या रिमेनिंग टैंक है वो कितना रह गया, वो रह गया सर 1-3/4 यानी 1/4, यानी रिमेनिंग आपका 1/4 रह गया टैंक, ठीक है यहाँ तक। अब आपको बताना है जब आप वर्क करोगे, अब आफ्टर 5 मिनट, क्या बोला मैंने, आफ्टर 5 मिनट ए और बी के साथ सी भी आएगा। अब मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि सी टैंक को खाली करेगा। तो ये 1/12 है, ये 1/15 भर रहा था, जो कि सॉल्व करके 3/20 आ ही गया था, लिख ही देता हूँ डायरेक्ट। और अगला वाला है आपका 1/20। अब ये 1/20 क्यों लिखा है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सी जो है वो 20 मिनट में पूरा का पूरा खाली करता है, तो मैंने उसको 1/20 कर दिया। इसको सॉल्व करने पे 2/20 आएगा, डिवाइड करने पे 1/10 आएगा, सिंपल सी बात है। अब ये 1/10 का मतलब होता है 10 आर, ये मैं काफ़ी आर मतलब मिनट यहाँ पे समझ जाओ इस चीज़ को बच्चों। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था 1/10 को हम कैसे चेंज करते हैं। तो अगर ये इस तरीके से काम करते, मतलब तीनों अगर साथ में काम करते शुरू से लेकर अब तक, तो टंकी को पूरा भरने में 10 मिनट लगते, लेकिन एक्चुअल में जो टैंक है उसका 3/4 पार्ट हो चुका है। अब आपको सिर्फ उसका 1/4 हिस्सा करना है, तो यानी टाइम टेकन टू रिमेनिंग टैंक है ना, टाइम टेकन टू फुल द रिमेनिंग टैंक, रिमेनिंग टैंक, तो रिमेनिंग टैंक कितना बचा है 1/4, और उसको भरने में कितने मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे टोटल को। तो 1/4 को कितना लग जाएंगे, डिवाइड कर लो मेरे हिसाब से 2 यहाँ 5 यहाँ, तो 2.5 मिनट के आसपास आ जाएगा, 2.5 मिनट। और अब आप ज़रा आंसर की तरफ अगर जाओगे, तो जो टोटल टाइम लगेगा वो हमें समझना है। तो भाई टोटल टाइम वेरी सिंपल है यहाँ पे, अगर आप नोटिस कर लोगे कि क्या है, भाई एक बात बताओ, 5 मिनट तो उन दोनों ने साथ में काम करा, तो वो तो लगेंगे ही लगेंगे, 2.5 मिनट और एक्स्ट्रा लग जाएंगे, तो कुल मिला के 7.5 मिनट में आपकी टैंक पूरी की पूरी भर जाएगी। अगर आपको दिक्कत है तो एक बार फिर से रिपीट करिए, चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है भाई। चलिए, और तसल्ली लेकर बैठिए, क्योंकि इस तरीके की चीज़ों को और अच्छे से समझना अगर आप चाहते हो, और शॉर्टकट ट्रिक जो मैंने आपको सिखाई वो सीखना चाहते हो, तो भाई हमारे प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करो, इस नंबर पे जाके बात करो, वहाँ पे आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियरिटी में दिख जाएंगी। आप बात करोगे कि भाई क्या क्या एक्स्ट्रा इसमें मिलने वाला है, मैं आपको फिर भी बता दूँ, प्रीमियम कोर्स के अंदर मैं आपको CUT, IPMAT, क्राइस, सैन जेवियर, मुंबई, नासीमुंजी एंड अदर एंट्रेंसेस हमारी पूरी टीम आपको कराने वाली है। इसके अंदर जो भी चीज़ें आती हैं, सिर्फ जो आप अभी बोर्ड में पढ़ रहे हो ना, इतना नहीं आता, इससे कुछ चीज़ें अलग भी आती हैं, तो वो सब आपको वहाँ कवर अप करवा के दी जाएगी, चाहे आपका जनरल टेस्ट हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, चाहे अवेयरनेस हो, कोई भी चीज़ें हो, सब मिलेगी वहाँ पे आपको। लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, हैंड रिटन बुक्स मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, और डाउट सपोर्टिंग, मैं खुद आपके डाउट सॉल्व करूंगा, अगर आपके हायर मैथ या अप्लाइड मैथमेटिक्स के डाउट है तो। मतलब कहने का मतलब है कि फैकल्टी ने ही बुक लिखी है, फैकल्टी ही आपके डाउट सॉल्व करेगी और फैकल्टी ही आपको पढ़ाएगी, तो जो पर्सनल टच चाहिए होता है वो आपको प्रॉपर मिलेगा। अच्छा, बात ये आती है कि हमारे कोर्स में ऐसा क्या है जो आपको ज्वाइन करना चाहिए। भाई सबसे ज़्यादा जो हमारे कोर्स को बाकी कोर्सों से अलग बनाता है वो है 5 डेज मनी बैक गारंटी। 5 दिन कोर्स को समझिए, पढ़िए, और अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे, पर ये 5 डेज को आप यूटिलाइज करिए, तो 5 डेज मनी बैक गारंटी कोई नहीं आपको देने वाला, कोई ऐसा कोर्स नहीं, सब आपसे पैसे ले लेंगे और आपको बोल देंगे हाँ भाई ठीक है, बात खत्म, आ रहा है, आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा, तो 5 डेज मनी बैक गारंटी हम आपको देते हैं। अच्छा, इसके बाद बात आती है कि इतना कॉन्फिडेंस क्यों है सर कि आपको मनी बैक गारंटी देने पे वो हो गए, तो भाई ये है हमारा रिजल्ट। तो रिजल्ट हमारा जो ऐसा है ना कि हमारे बच्चे ऑल इंडिया रैंक CUT 1 हमारे स्टूडेंट की आई थी, तो उस वजह से हमारे को कॉन्फिडेंस आता है। और सिर्फ यही नहीं, ये आप अच्छे से पढ़ सकते हो, IPMAT इंदौर के अगर आप देखोगे तो 13, 24, 37 हम लोग रैंक दिला चुके हैं ऑलरेडी। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आप लोगों से कि भाई नासिम जो आपका ये सही सुखदेव कॉलेज हो गया या SRCC हो गया, उसमें 30 से ज़्यादा बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट से ऑलरेडी जा चुके हैं, बच्चों से मिलकर भी आते हैं, तो इनमें आपका भी नाम शुमार हो, तो इस पे जाइए और बात करिए और चीज़ों को ज्वाइन करिए, ठीक है भाई। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा हुआ है असिस्टेंट कैन फिल, अब ध्यान से सुनना क्योंकि अब थोड़ा सा ट्रिक वाइज भी चलेंगे अगर आपको दिक्कत है तो। असिस्टेंट कैन बी फिल इन 8 आर, बट ड्यू टू द लीकेज इन बॉटम इट टेक 2 आर मोर टू फिल द टैंक। भाई इसको आप कमेंट में मुझे इसका आंसर देंगे, कारण मैं बता रहा हूँ क्योंकि सेम क्वेश्चन मैं यहाँ अभी रिपीट करके आया हूँ आपके लिए, ठीक है, ये देख सकते हो आप, ये आपके लिए रिपीट कर रहा था यहाँ पे, एक सेकेंड, ये और भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, आपके लिए सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा था ना, तो आप इसे अच्छे से करेंगे। अब ये कमेंट में आप बता दोगे, लेकिन मेरे पास एक और बढ़िया चीज़ है कि आपने जो सीखा था ना अभी ये वाला क्वेश्चन, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले लो, क्योंकि मैं इसको अब शॉर्टकट से भी बताने वाला हूँ।
देखो भाई, अब इसको शॉर्टकट से कैसे कर सकते हैं, ध्यान से सुनना। देखो भाई, अब सर शॉर्टकट क्यों भाई, कई बार ना ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं, आपको आगे जाके सीयूईटी भी देना है, तो उस चीज़ों के लिए भी आप तैयार हो जाओगे साथ के साथ। बोर्ड के लिए तो तैयार हो ही गए अगर आपने इससे पहले स्क्रीनशॉट ले लिया है तो, नहीं लिया तो भाई वीडियो को मतलब बैक करके ले लो, ठीक है। अब शॉर्टकट कैसे करना है, देखो ए जो है वो 12 मिनट में टंकी को भर देती है, और जो बी है वो 15 मिनट में, सुनते जाना, और जो सी है वो 20 मिनट में खाली कर देती है। तो आप इसका एलसीएम ले लो, 60 आ गया, तो मैंने मान लिया टंकी 60 लीटर की है जस्ट सपोज, तो एक मिनट में टैंक कितना भर जाएगा सर, 12 पंजे 60 यानी 5 लीटर, 15 चौके 60 यानी 4 लीटर, तो कुल मिला के 9 लीटर ये टैंक भर जाता है। अब यहाँ है गेम समझने वाली कि भाई आप जो टैंक को 5 मिनट तक खुद चला रहे हो, तो 5 मिनट तक ए और बी को कोई अड़ंगी नहीं डाल रहा सी। अब ए 5 मिनट में, अगर एक मिनट में 9 लीटर पानी भर रहा है तो 5 मिनट में 45 लीटर हो गया, है ना भाई, 5 × 9 45 हो गया। अब आपके पास बचा है टोटल 15 लीटर पानी जो आपको भरना है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है इस 15 लीटर पानी के साथ, ये जो 15 लीटर पानी आपको भरना है ना, अब सी भी पार्टिसिपेट करेगा। अब जब सी पार्टिसिपेट करेगा तो सी कह रहा है भाई मैं 20 मिनट में पूरी टंकी खाली कर दूंगा, इसका मतलब एक मिनट में वो 20 या 60 यानी 3 लीटर टंकी खाली करता है, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा सर, 6 आ जाएगा। अब इस 6 को समझना, ये जो 6 आया इसका मतलब क्या है कि एक यानी आपका एक मिनट में जो नेट इफेक्ट आएगा वो 6 लीटर का आएगा, तो 15 को आप 6 से डिवाइड कर दो, 3 × 15 3 × 2 = 6, तो 5/2 आया, तो इसका मतलब अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो ये 2.5 मिनट आ जाएगा। सिंपल सी बात है, देखो शॉर्टकट में कितनी जल्दी चीज़ें हो गई, 5 मिनट + 2.5 मिनट, तो आपका आंसर आ जाएगा 7.5 मिनट में आपकी टैंक हो जाएगी फुल। बेसिकली 5 मिनट में आपको ए और बी के लिए सोचना है, और 5वें मिनट के बाद आपको सी को भी उसमें ज्वाइन करा लेना है, और जब सी ज्वाइन होगा ना तो आपका पानी बाहर निकलने लगेगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 आ जाएगा, इस बात को हमें समझना है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, ये लीजिए और क्वेश्चन है हमारे, ये आपको कमेंट्स में इसका आंसर देना है, ठीक है, ये लीजिए भाई 5, 6, 8 आर। देखो भाई, असिस्टेंट कैन फिल द टैंक इन 4 आर एंड 6 आर रेस्पेक्टिवली, व्हेन फुल द सिस्टम एम्प्टी बाय सी इन 8 आर, ठीक है, इफ़ ऑल द पाइप आर टर्न ऑन द सेम टाइम इन हाउ मच टाइम विल द सिस्टम फिल। सिस्टम कर रहे हैं हम, टैंक भी बोल सकते हैं। तो देखो भाई, ए जो है वो टैंक को 4 आर में फिल कर देता है, बी जो है वो 6 आर में फिल कर देता है, और जो सी है वो उसे एम्प्टी कर देता है 8 आर में। तो आप ये बताओ, एक घंटे में ए कितना पानी भरेगा सर, 1/4, बी कितना भरेगा 1/6, और सी कितना एम्प्टी करेगा सर, 1/8। तो जो टोटल वाटर फिल होगा एक घंटे में, टोटल वाटर फिल इन 1 आर, तो बच्चों वो आपका बहुत ही प्यारा हो जाएगा सिंपली 1/4, 1/6 - 1/8। एलसीएम ले लो, ये आपका आ जाएगा 24, 4 × 6 = 24, 6 × 4 = 24, 8 × 3 = 24, तो ये आपका आ जाएगा 7/24। अब अगर आपको टाइम पता करना है तो आप इसको रेसिप्रोकल कर दो, 24/7 मिनट आपको मिनटें आ रहे हैं भाई, तो इसको आप 24/7 आर बोल सकते हो। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, मैं चेंज करना आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि डिवाइड करने में कोई आपको हर्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। चलिए अब चलते हैं अपने इस क्वेश्चन पे, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई, अ टैंक इज फिटेड 3 टैप्स, ठीक है, इसमें 3 टैप हैं, ए बी एंड सी, ठीक है, इफ ओपन टूगेदर कैन ड्रेन द फुल टैंक इन 1.5 मिनट। अच्छा, अगर ये ओपन हो जाते हैं तो टैंक को 1.5 मिनट का टाइम लेते हैं पूरा करने में, ठीक है ना, और बी एंड सी अगर साथ में ऑन होते हैं तो इनको 2 मिनट लगते हैं, ठीक है भाई, और ए और सी अगर साथ में होते हैं तो इन्हें 2 × 4/13 टाइम लगता है मिनट में, इसे चेंज कर लो, 13 × 26 और 4 = 30, 30/13 मिनट लगते हैं। और आपसे पूछा है ए और बी को कितना टाइम लगेगा, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जब आप इन तीनों को टोटल कंसीडर करोगे ना, तो ये वैल्यू आप नोटिस करो डबल हो जाएगी। देखो, बी 2 बार काउंट होगा, ए 2 बार काउंट होगा, सी भी 2 बार काउंट होगा। तो जब आपको क्वेश्चन में बता रखा है ना कि ऑल टैप टुगेदर 1.5 मिनट ले रहे हैं, तो बेसिकली आप उसको 3 कर दो, ठीक है सर। 3 क्यों करना है, देखो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि डबल हो जाएगा ना भाई, ये 1.5 जो यहाँ पे लिखा है इसको क्या करना है, ट्वाइस करना है, क्योंकि चीज़ें डबल हो रही हैं यहाँ पे। तो अब इसके बाद जब आपने इसे डबल कर दिया, ये डबल कैसे होगा मैं अभी आपको समझाऊंगा, पहले आप ये चीज़ देखो, 2 × 1 = 2 और 1 = 3, ये 3/2 आ गया, तो ये 3/2 मिनट इसे लग रहे हैं। लेकिन अब हम जब बात करेंगे वर्क की, किसकी बात करेंगे, टोटल वर्क की,
तो तीनों ने जो टुगेदर यानी तीनों ने साथ में काम करा उसमें से अगर मैं बी और सी को हटा दूं, ए और सी को हटा दूं, तो जो बचेगा ना वो ए और बी का साथ में होने वाला कार्य बचेगा। सर कैसे? देखो भाई, अगर आप नोटिस करोगे तो अगर मैं ए प्लस बी यहाँ लिखता, बी प्लस सी लिखता और सी प्लस ए लिखता, ठीक है, तो यहाँ पर तीनों चीज़ें टुगेदर आती पर ट्वाइस आती, हाँ या ना? तो इसलिए टुगेदर के साथ आप लगा दीजिए ट्वाइस, सुनते जाइएगा। टुगेदर के साथ मैंने लगा दिया ट्वाइस और ये बी माइनस सी और सी माइनस से इधर जाके माइनस कर दिया हमने। अब आते हैं ए और बी कितनी देर में कार्य करेगा उसकी बात पे। तो टुगेदर मिलकर कितनी देर में काम हो रहा था भाई? 3/2 मिनट में। लेकिन काम कितना हो रहा था यानी जो पाइप है वो कितना पानी भर रही थी, वो उसका रेसिप्रोकल होगा 2/3। अच्छा, बी और सी मिलकर कितनी देर में पानी भर रहे थे? 2 मिनट में, तो उसका रेसिप्रोकल होगा 1/2। और दूसरी वाली जो बात है वो है आपकी 30/13, तो वो होगा 13/30। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, क्योंकि ये रेसिप्रोकल का जो फंडा है मैंने आपको सिंपली बता दिया कि अगर आप कोई काम 7 घंटे में करते हो तो इसका मतलब हर 1 घंटे में आप उस काम का 7वां हिस्सा करके दे रहे हो, सीधी सी बात है। अब ये 4/3, 1/2, 13/30, एलसीएम ले लो इसका, ये कितना आएगा? 30 ही आएगा, 3 × 30 40 हो जाएगा, ये 15 और ये आपका 30 है तो 13 हो जाएगा, तो ऊपर आ गया 12/30। डिवाइड कर लीजिए, 3 × 4 = 12 और 3 × 30 2 × 2 = 4 और ये 5। तो कहने का मतलब ये आ गया आपका टोटल इतनी इतना काम ये कर रहा है 2/5। तो अगर मुझे इसका टाइम निकालना है तो मैं फिर से इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो 5/2 दैट मीन्स 2.5 आवर, तो 2.5 घंटे हमें इसमें लगने वाले हैं। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि 2.5 घंटे के अंदर ये टैंक क्या हो जाएगा, पूरा फिल। तो बच्चों अगर ये चीज़ें समझ में आ गई है और अच्छे से क्लियर हो गई हैं तो प्लीज़ कमेंट में मुझे इसका आंसर दे दो, और जो 2-3 क्वेश्चन दिए उनका आंसर भी देना है, वर्कशीट भी जाके करनी है और अच्छे से तैयारी रखनी है। और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।